प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत, जो कि बोर्ड पे लिखा है यूज ऑफ सो दैट, यानी कि सो दैट का इस्तेमाल करें इन प्लेस ऑफ टू, यानी टू की जगह, यानी जी आप टू हटाएंगे तो टू की जगह आपको सो दैट का इस्तेमाल करना है। और प्यारे बच्चों ये दो प्रकार से होता है, एक तो सजीव के रूप में यानी कि ये पार्ट वन है, इसी के बाद में पार्ट टू बताऊंगा जो निर्जीव के रूप में रहेगा। कैसे रहता है तो ये मैंने है ना आपको स्ट्रक्चर लिख दिया है और कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। देखिए मैं एक एक करके आपको सरल भाषा में बताऊंगा ताकि आपसे ये बन सके। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब ये वाला टू आए तो इसको हटा करके ये सो लिखना है, जब ये वाला टू आए तो इसको हटा करके ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, यानी ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपके प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है एज एम आर। और कुड नॉट का प्रयोग कब करते हैं? जब है ना पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब, ठीक है ना। क्या होती है वॉज वर्ब? जब पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है तो वहाँ कुड नॉट का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों, और जब प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है तो कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं तो आपके लिए देख लीजिए, ये आपको तीन एक्सरसाइज लिखी हुई है, चलिए एक एक करके बनाते हैं। प्यारे बच्चों जब ये आपका टू रहता है तो इसकी जगह पे आप है ना क्या लिखें, ये सॉल्व लिखें, ठीक है ना। ये वाला जब टू रहता है तो इसकी जगह पे आपको देखिए क्या करना है, दैट। तो ये बेटा आप दैट उतार दीजिए, फिर आपको क्या करना है सब्जेक्ट। और प्यारे बच्चों सब्जेक्ट पहचानना है तो बाकी के सबसे शुरू में सब्जेक्ट लिखा होता है, कहाँ लिखा? सबसे शुरू में। तो ये ही जो है ये आपका सब्जेक्ट है तो इसको लिखेंगे, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और एक बात और याद रखना प्यारे बच्चों कि ये एच बना है, यहाँ पे हमें एच बनाने, एच का एच को बड़ा नहीं बनाना, छोटा बनाना है, ठीक है। ये ही फिर क्या हमें लिखना है, कैन नॉट। प्यारे बच्चों देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब एज है ना, एज है यानी कि ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए क्या आएगा, कैन नॉट, ठीक। देख लिया आपने, तो ये टू की जगह पे हमें सो लिखना है और ये टू की जगह पे दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट लिखना है, बस ये हो गया। बाकी का सेम टू सेम आप उतार दें जैसा लिखा है, जैसे ये हीज लिखा है तो ये ही हीज उतार दिया हमने, ये वीक लिखा है तो ये हमने वीक उतार दिया, और फिर ये आपका रन लिखा है तो ये हमने रन उतार दिया, और आखिरी में फुल स्टॉप, ठीक है। और देखिए प्यारे बच्चों देखो एज लिखा है यानी कि कैन नॉट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस टू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस टू की जगह पे लिखेंगे हम सो, इस टू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस टू की जगह पे लिखेंगे हम दैट प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कहाँ होगा, वाक्य के शुरू में यानी कि सी, तो ये हमने लिखा सी, ठीक है ना। फिर हमें क्या लिखना है, कैन नॉट, तो ये लिखा प्यारे बच्चों हमने कैन नॉट लिख दिया। अब बाकी जो चीज़ है वो सेम टू सेम लिखना है, ठीक है ना। ये सी एज लिखा है तो ये लिखा दिया मैंने सी एज, ठीक है। फिर ये लेजी लिखा है तो ये उतार दिया बेटा लेजी। अब फिर इसके बाद डू द वर्क लिखा है तो यहाँ लिख दीजिए डू द वर्क, हो गया ना। अब देखिए इसमें है ना वॉज लिखा है यानी कि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, कुड नॉट आएगा, कैन नॉट नहीं आएगा। थोड़ा सा बेटा इनमें भी आप ध्यान दो कि कैन नॉट को जो है मैंने देखो बिल्कुल चिपका के लिखा है, लेकिन कुड नॉट को मैंने दूर दूर लिखा है, ठीक है ना। तो कैन नॉट हमेशा चिपका के लिखा जाता है, दूर दूर नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। क्या दूर दूर नहीं लिखते, कैन नॉट दूर दूर नहीं लिखा जाता, पास में लिखता है, लेकिन कुड नॉट दूर दूर लिखा जाता है, ठीक है। चलो तो देखिए ही वॉज इसकी जगह पे क्या आएगा, सो पुअर इसकी जगह पे दैट प्लस सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, और प्लस कुड नॉट, कुड नॉट देखो आ गया ना, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट है ना। उसके बाद क्या बचा, पे इज फीस बचा है तो ये उतार दो, तो ये प्यारे बच्चों पार्ट वन होता है, ये सजीव के लिए, निर्जीव के लिए कैसा होता है इसके बाद अभी अपन करते हैं उसको, पहले आप इसको देख लें।
चलिए इसी के बाद देखते हैं नेक्स्ट वाले जो कि मैंने बताए थे पार्ट टू निर्जीव के लिए। इसके पहले पन्ने का कर लिया सजीव वाले जो कि वैसे बनते हैं। अब यदि निर्जीव वाले आते हैं कैसे, जैसे द बॉक्स है ना, द टी, द एप्पल, द ट्री। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज होगा कि द ट्री जो है वो तो सजीव होता है, तो हाँ भाई होता है, लेकिन क्या है ये इंसानों की तरह चल फिर नहीं सकता है ना, तो थोड़ा बहुत तो फर्क रहता है, तो उसका थोड़ा बहुत आप भी ध्यान रखें, ठीक है। हाँ तो चलिए इस प्रकार के यदि वाक्य आते हैं तो आपको बनाने का तरीका ये है, ये लिखा है, जब आपका ये वाला टू है तो इसको हटा करके सो लिखिए, और ये वाला टू है तो इसको हटा करके ये वाला आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, दैट प्लस एट प्लस कैन नॉट प्लस वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, ये याद रहेगा बेटा ये आसानी से बन जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं। ये आपका द बॉक्स, ठीक है ना, ये आपका एज, एज टू की जगह पे हमने क्या लिखा सो, ठीक है। ये आपका हैवी, ठीक है, ये वाला टू हटाएंगे तो क्या लिखना है, दैट इट कैन नॉट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू के बाद जो वर्ड आया ना यही आपकी वर्ब है, तो लिफ्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लिफ्टेड, एल आई एफ टी में ईडी लगा दीजिए बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द टी एज सो हॉट, और ये टू की जगह पर करिए, दैट इट कैन नॉट बी, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रंक, डी आर यू एन के, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए इस प्रकार से है ना इन वाक्यों को बनाते हैं, और ये दो एग्जांपल मैंने आपके लिए छोड़े हैं, ये आपका होमवर्क है, और इसको है ना आप सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिए आप सभी। प्यारे बच्चों अब इसके बाद वाला हम देखते हैं इसका अपोजिट वाला जो कि इसका उल्टा है। अभी अपन ने क्या किया था, यूज ऑफ सो दैट इन प्लेस ऑफ टू टू, यानी कि हमने है ना सो दैट का इस्तेमाल किया था टू टू की जगह पर। अब हम इसका जस्ट उल्टा कर रहे हैं, अब टू टू का प्रयोग करेंगे किसकी जगह पर, सो दैट पर, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, देखना बिल्कुल आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए कैसे, कि जब आपका ये वाला सो है तो इसकी जगह पर आप ये टू लिखें, और आपको क्या करना है, डेट से लेकर नॉट तक के शब्दों को हटाकर, ठीक है ना, इसकी जगह पे क्या लिखना है, ये वाला टू लिखना है। ये इतना भर आपको याद रखोगे प्यारे बच्चों आसानी से बन जाएगा, बहुत ज़्यादा सरल है। अब इसमें आपका कैन नॉट आए चाहे कुड नॉट आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, बस ये नियम आपको मालूम हो आपसे आसानी से बनेगा। कैसे बनेगा देखो जरा, ये आपको सेंटेंस दिया है, जैसे सी एच ए सो पुअर That she cannot pay is her fees, ऐसे बोल दिया, यहाँ पे हर आता है, ठीक है ना, इसका है ना पजेसिव केस कहलाता है ये, ठीक है ना। चलिए तो इसका हम आंसर बनाएं, तो देखिए प्यारे बच्चों आंसर, ये आपका सी, ये एज इस शो की जगह पे हम क्या लिखेंगे टू, देखो ये लिख दिया, ये पुअर, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा, दैट से लेकर नॉट तक के शब्दों को हटाकर, यानी दैट से लेकर के नॉट तक के शब्दों को हटाकर हमें क्या लिखना है, टू लिखना है, और फिर क्या बचा, पे हर की, तो पे हर फीस। देखिए कितना आसान है ना सरल। और देखिए दूसरा,
वॉज सो लेजी दैट ही कुड नॉट गो देयर। अब ये बात आपके लिए वाक्य दिया है, अब इसको हमें बनाना है। देखिए बहुत ही सरल है ये भी। आंसर ही वॉज, सो की जगह पे क्या लिखोगे, ये वाला टू लेजी। अब क्या करना है आपको, डैट से लेकर नॉट तक के शब्दों को हटाना है, तो ये डैट से लेकर के नॉट शब्दों को हटा दीजिए। तो देखिए हमने क्या कहा था, कैन नॉट हो चाहे कुड नॉट हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये साथ में ही कट जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही सरल है। अब आपको क्या बचा, इसको हटा दिया तो क्या करना है, इसकी जगह पे डू, और फिर क्या बचा, गो देयर, ठीक है।